सो बेटा वी आर स्टार्टिंग द पार्ट नंबर 10 ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12. इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट एन अनदर पार्ट ऑफ एमसीक्यूज. तो इसमें बेटा जो सबसे पहला एमसीक्यू आ रहा है आपका वो आ रहा है सॉल्यूशन चैप्टर से. व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सर्टेन सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इफ देयर इज अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ दिस एंड द मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इज दिस. तो ध्यान से देखिए बेटा, ये दो फॉर्मूला जो हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनसे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहे हैं. कंटिन्यूअसली क्या क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, एक तो आपके पास कौन सा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का, और एक क्या है बेटा आपके पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का. तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या आता है, एलिवेशन आता है, एंड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी. एंड इफ वी हैव अ फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या आता है बेटा, डिप्रेशन आता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी. क्लियर है? आपने ये क्वेश्चन एक ये भी किया होगा कि ये दोनों, अच्छा ये बताओ मेरे को ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं या नहीं होती हैं. ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो बेटा, व्हाट विल बी द मोलैलिटी, मोलैलिटी पूछ रखी है. सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट के अंदर, डिप्रेशन आई, तो डेल्टा टी भी दे रखा है आपको. कितना दे रखा है? 0.184 डिग्री सेल्सियस. और साथ में क्या दे रखा है बेटे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है, दैट इज केएफ की वैल्यू दे रखी है. कितनी दे रखी है? 18.4. तो आप फॉर्मूला पुट कर दोगे फटाफट से, डेल्टा टी एफ, अच्छा यहाँ पे टी एफ आएगा, दैट विल बी इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी. डेल्टा टी एफ कितना है बेटे, 0.184 है. केएफ कितना है बेटे, कोई बात नहीं, वो टेम्परेचर जो है जनरली हम इसमें सेल्सियस के अंदर ले लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में आपको केल्विन दे नहीं रखा है. अगर दे रखा होता तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत थी. क्लियर है? यहाँ पे क्या आएगा, 18.4 इंटू मोलैलिटी. तो मोलैलिटी किसके इक्वल होगी, 0.184 इंटू 10^-3 लिख सकते हैं. और नीचे क्या आएगा, 18.4, तो इसको क्या लिखेंगे, 184 इंटू 10^-1. ऊपर जाके किसकी बन जाएगी, प्लस की, तो 1-3 कितना बन जाएगा, -2. तो ये किससे क्या हो जाएगी, कैंसल. तो आंसर आपके पास क्या आएगा बेटा, 10^-2 आएगा. तो 10^-2 का मतलब क्या होता है, 1/100, 2 नीचे चली जाएगी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.01. क्लियर है? तो मोलैलिटी कितनी आएगी आपकी बेटा, 0.01 आएगी. Then we have question number 2. Question number 2 क्या कहते हैं हमें, आयनिक सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर. आयनिक सॉलिड जो होता है वो वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है. अच्छा डिसॉल्व कब होता है, जब इसकी लैटिस एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी से कम होती है या ज्यादा होती है. लैटिस एनर्जी क्या होती है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी से कम होती है. लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है, आयन्स से आयनिक सॉलिड बनाना. फॉर एग्जाम्पल, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इज कन्वर्टिंग इनटू NaCl विद द लैटिस एनर्जी. एंड इफ यू वॉन्ट टू आयनाइज NaCl, देन यू विल प्रोवाइड द NaCl इनटू एक्वस सॉल्यूशन, एंड फॉर दिस द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी, तोड़ने की एनर्जी ज्यादा होगी बनने से, तो वो क्या होगा, आसानी से डिजोल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. क्लियर है? तो हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी फॉर द डिजोल्वेशन ऑफ आयनिक सॉलिड. Then we have, what weight of copper will be deposited by passing 2 faradays of electricity through a Cu2 positive salt. ठीक है, तो Cu2 positive है, इसके अंदर से 2 faradays of electricity pass कर रहे हैं, तो Cu2 positive की reaction क्या होती है, 2 electrons gain करता है, और किसमें convert हो जाता है, copper के अंदर. तो कितने mole copper चाहिए, 1 mole copper चाहिए, कितने faraday electricity से, 2 से. तो 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कितने मोल कॉपर चाहिए, 1 मोल कॉपर चाहिए. और 1 मोल कॉपर के अंदर बताओ कितना मास होता है, 1 मोल कॉपर के अंदर कितना होता है. अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक एटम ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16 amu. और एक मोल ऑक्सीजन एटम का कितना होता है, 16 ग्राम. क्लियर है? तो मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ, तो ये यूनिट किसमें आएगी, ग्राम के अंदर आएगी. और कॉपर का मास कितना होता है बेटा,
63.5 होता है, क्लियर है। तो दिस इज द मास ऑफ कॉपर, अंडरस्टूड। देन वी हैव द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय, तो ये आप सभी को पता ही है, टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन के होता है, क्लियर है। आई डोंट वॉन्ट टू गो ऑन द डेरिवेशन, वो डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ हो जाएगी, कंप्लीट डेरिवेशन खुद करोगे तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो डेरिवेशन करके देख सकते हो आप। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर क्या है, इन अ बोन एबल प्रोसेस, बोन एबल प्रोसेस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया मतलब क्या बनेगी, कौन सी गैस, NH3, NH3 गैस कौन कौन से एटम से बन रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन कितने हैं, दो, यहाँ पे भी कितने आएंगे, दो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, 3, 6, यहाँ पे क्या आएगा, 3, समझ आया। अब ध्यान से देखिए बेटा, रेट किसके इक्वल होगा, डिसअपियरेंस ऑफ N2, डिसअपियरेंस ऑफ N2 इन पर यूनिट टाइम, दैट विल बी इक्वल टू डिसअपियरेंस ऑफ H2 इन पर यूनिट टाइम। लेकिन एक दिक्कत है सर, यहाँ पे 3 है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1/3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। देन वी हैव NH3 क्या होगा बेटा, अपीयर होगा या डिसअपीयर होगा, अपीयर होगा क्योंकि प्रोडक्ट है सर, तो प्रोडक्ट है तो अपीयर होगा, तो कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव, और कौन अपीयर हो रहा है, NH3, तो क्या बन जाएगा, NH3 अपॉन में DT, क्लियर है। और जो कोफिशियंट है वो कहां जाएगा बेटे, आगे आ गया समझ में। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 वाज मेजर्ड एज, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 दे रखा है, तो ये पूरा नहीं दे रखा है, सिर्फ ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो 1/2 इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस कितना दे रखा है, 2.5 इनटू 10 रेज टू द पावर -4, क्लियर है। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 पूछा है, तो ये वाली चीज पूछी है, क्लियर है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, माइनस ऑफ 1/3, अच्छा माइनस इसके साथ आएगा, ध्यान से सुनो, दिस इज डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ठीक है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/3 ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 को कहाँ भेज दूंगा, मल्टीप्लाई में, तो 3/2 इंटू में 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्लियर है। तो इसको कैसे करेंगे, फटाफट जल्दी से बताइए, 2 से कैंसिल कर देंगे, 1.5 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा, ये तो आप कर ही लोगे, ये मैं भी करके दिखाऊं, 15 5 75 7 15 2 30 और 7 30 75, क्लियर है। तो ये कितना बनेगा आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 3.75 बनेगा, तो 3.75 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन, क्लियर है बेटे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज नोन एज कोइनेज मेटल्स, अच्छा कोइनेज मेटल्स क्या होते हैं, ये वो मेटल्स होते हैं बेटा जो किसी भी कंट्री के अंदर करेंसी के लिए यूज होते हैं, कि आपको अगर करेंसी बनानी है तो उसके सिक्के जो बनाने हैं, कॉइन्स जो होते हैं उसको बनाने के लिए कौन कौन से मेटल्स यूज होते हैं, तो आपको पता है, एक तो तांबे के आते हैं, एक चांदी के सिक्के आते हैं और एक सोने के सिक्के आते हैं, तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, क्लियर है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी कौन से एलिमेंट की होती है बेटे, हाईएस्ट डेंसिटी होती है जिंक की होती है, मेबी इसको देख लीजिएगा बेटा एक बार, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन द कॉम्प्लेक्स NiCO4, अच्छा NiCO4 है तो आपको ये मैंने काफी बार करा दिया है, CO CO की क्या होती है, जीरो होती है, तो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, जीरो आएगी, क्लियर है, आ गया समझ में। Then we have question number 9. Question number 9 के अंदर क्या है? Write the formula of penta aqua chlorido chromium chloride. तो ध्यान से देखो, penta, penta का मतलब कितने होंगे? 5. क्या होंगे 5? Aqua, aqua मतलब water. और chlorido, chlorido मतलब एक क्या लगा होगा? Chlorine. और साथ में क्या होगा? Chromium. Osmium आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे बेटा जो आपका element जो highest density है, that is osmium. ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ओस्मियम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी इन योर पीरियोडिक टेबल, सो एक्वा कितने सर 5 है, क्लोराइडो, और यहाँ पे क्या आ गया, क्रोमियम, और उसके बाद क्या लगा हुआ बेटा, क्लोराइड, तो बाहर क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, क्लियर है। तो ये बन गया आईयूपीएसी फॉर्मूला। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द अल्कोहल, अल्कोहल का क्या आईयूपीएसी नेम होगा, तो कितने कार्बन एटम्स हैं,
तीन कार्बन एटम्स है तो क्या आएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है क्या? यस सर। अब ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी या OH की? ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वन पे क्या आएगा? आयन आएगा। और थ्री पे क्या आएगा बेटे? ओल। आ गया समझ में? देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज विनेगर? विनेगर क्या होता है? विनेगर इज नथिंग, इट इज अ टाइप ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। क्लियर है? देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या पूछा गया है बेटा? राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फॉलोइंग रिएक्शन क्या है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बता दीजिए जल्दी से? रिडक्शन। और CNO को क्या बोलते हैं? एक तो CN होता है, एक NC होता है, ये तो साइनाइड हो गया। और ये क्या हो गया? आइसोसाइनाइड। क्या तो इसे रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड बोल सकते हैं या फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल बोल सकते हैं? क्लियर है बेटा? तो दिस रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। NaLH4 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है बेटा? व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके दो टाइप के होते हैं, हमने पढ़े थे, एक तो अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड शीट। क्लियर है? इसमें किसी भी टाइप की लिंकेज हो सकती है, मतलब इसमें कोई फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, इसके अंदर बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर तो मैं आपको फिर तक दिखा दूंगा। इसमें अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होता है? फोर्थ ऑक्सीजन के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, साथ में क्या लगा हुआ है? अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, फिर आगे कार्बन लगेगा, फिर आगे अमीनो ग्रुप लगेगा, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगी। इस तरीके से चौथा जो आएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लियर? इसका जो NH2 ग्रुप होगा, इस हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन क्या करेगी? बॉन्डिंग करेगी। फिर यहाँ से फिर इस वाले ऑक्सीजन के साथ इसके नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन करेगा, तो ये इस तरीके से डिवाइड होती जाएगी और क्या बन जाएगी? DNA वाली वो बन जाएगी, स्ट्रैंड्स। क्लियर है? दिस इज अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लेटेड शीट आप देखोगे तो उसके अंदर कंप्लीट बीच बीच में होंगी, जैसे वन वाला जो है वो टू के साथ कंबाइन हो जाएगा, टू वाला थ्री के साथ। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटीन्स आर द कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ। प्रोटीन्स किसके कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं बेटा? अमीनो एसिड्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या है? द शुगर प्रेजेंट इन DNA इज। DNA के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? डीऑक्सीराइबो। दिस इज द शुगर विच इज प्रेजेंट इन द DNA या फिर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।